नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान विषय के लिए महत्वपूर्ण 30 वन लाइनर प्रश्नों के रूप में हम आपके लिए वीडियो नोट लेकर आए हैं, तो वीडियो नोट को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज व भौतिकवादी व्याख्या में किस उपागम को अपनाया? तो आंसर आएगा ऐतिहासिक उपागम को। देखिए, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के बारे में भी अध्ययन किया, भौतिकवाद के बारे में भी अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, तो उसमें उन्होंने जिस उपागम की सहायता ली वो थी ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम क्या होता है देख लीजिए, उपागम कह लीजिए या दृष्टिकोण कह लीजिए, तो इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार ये होता है कि राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं होता बल्कि वे विकसित होती हैं। तो वर्तमान में राजनीतिक संस्थाएं इतिहास की उपज हैं, ऐसा इसमें माना जाता है। मतलब वर्तमान की जो भी संस्थाएं हैं उनके कारणों को इतिहास में ढूंढा जाता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक उपागम की कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज की अवधारणा और भौतिकवाद वाली अवधारणा में, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वाली आप कह सकते हैं, उसमें उन्होंने इसकी सहायता ली। नेक्स्ट देखिए, किताब है यहाँ पर मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये किताब किसकी है? जेम्स ब्राइस की। मॉडर्न डेमोक्रेसी की किसकी किताब है? जेम्स ब्राइस की। नेक्स्ट देखिए, राजनीति विज्ञान में मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद की अवधारणा, वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद की अवधारणा किसने दी? तो अर्नेल्ड ब्रेस्ट ने दी। अर्नेल्ड ब्रेस्ट ने दी वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद की अवधारणा, जो कि राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करने से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, वह आंदोलन जो तथ्यों व मूल्यों पर बल देता है तथा व्यवहारवाद में सुधार आंदोलन के रूप में सामने आया या जाना जाता है, वो है उत्तर व्यवहारवाद। आप सभी को, यदि आपने पिछले वीडियो नोट्स देखे हैं, तो हमने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में आपसे बातचीत की थी कि डेविड ईस्टन ने दिया व्यवहारवाद, लेकिन व्यवहारवाद में कुछ कमियां रह गई, कुछ गलतियां रह गई, उनको सुधार के रूप में, एक आंदोलन के रूप में पेश किया उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत। तो उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद दोनों ही डेविड ईस्टन ने दिए थे, और उत्तर व्यवहारवाद को उन्होंने एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में पेश किया, जिसमें जो प्रमुख दो तत्व थे वो थे कर्म और प्रासंगिकता, ये मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट देखिए, द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये रचना किसकी है? ये है एंगेल्स की। किसकी रचना है? एंगेल्स की, द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। नेक्स्ट देखिए, परिवार के साथ साथ राज्य को भी शोषण करने वाली संस्था माना एंगेल्स ने। एंगेल्स ने ये किताब लिखी थी द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इसमें इन्होंने क्या किया, परिवार तो था ही, उसके साथ साथ राज्य को भी शोषण करने वाली संस्था बताया है। मतलब राज्य को भी शोषण करने वाली संस्था बताया है, परिवार को भी शोषण करने वाली संस्था बताया है एंगेल्स ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमजा अल्मी की कुछ अल्वी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर। द क्राइसिस ऑफ इंडिया, क्विट क्राइसिस इज क्राइसिस इन इंडिया, इंडियन कैपिटलिज्म एंड फॉरेन इंपेरियलिज्म, ठीक है, ये किसकी है? हमजा अलवी की किताब है। अब हम कहें कि हमजा अलवी है कौन, तो देखिए, जो पश्चिमी पश्चिमी का एक प्रमुख विचारक कह सकते हैं इसको, ठीक है, वेस्टर्न थिंकर कह सकते हैं इसको, या फिर हम कह सकते हैं ये अनुसंधानकर्ता थे। हमजा अलवी की बात कर रहे हैं, अनुसंधानकर्ता भी थे, विचारक भी थे। इन्होंने क्या किया, उत्तर औपनिवेशिक राज्यों जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, इनका अध्ययन किया, और उनका अध्ययन भी कैसे, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने लेख लिखे। मतलब उन्होंने जो औपनिवेशिक जो देश थे उनको उत्तर औपनिवेशिक, मतलब औपनिवेशिक के बाद में उन्होंने उनका क्या किया, अध्ययन किया। जैसे पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, हमारा देश भारत भी था, इनका अध्ययन किया सभी परिप्रेक्ष्य में लेकर, जैसे चाहे ऐतिहासिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अब उन्होंने ना केवल इन राज्यों की सामाजिक संरचना, नए जातीय संघर्ष के बारे में लिखा, बल्कि तख्तापलट व अति विकसित राज्यों की भूमिका के बारे में बताया है कि कैसे वहां पे शासन में बदलाव आया
तख्ता पलट का मतलब यही होता है कि वहां पे शासन व्यवस्था का बदलना। किस हिसाब से? तो इन्होंने अपने कुछ लेखों में ऐसे देशों का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह किसने कहा कि अति विकसित राज्य, तख्ता पलट, आर्थिक सहायता व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से विकासशील राष्ट्रों का शोषण कर रहे हैं? ये हमजा अलवी ने कहा। देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमजा अलवी ने कुछ उत्तर औपनिवेशिक राज्यों का अध्ययन किया। उस अध्ययन के अंतर्गत ही इन्होंने ये कहा कि जो अति विकसित जो राज्य होते हैं वो तख्ता पलट, आर्थिक सहायता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से विकासशील राष्ट्रों का शोषण कर रहे हैं। जितने भी विकसित राज्य हैं वो विकासशील राष्ट्रों का शोषण कर रहे हैं, चाहे वहां पे शासन पद्धति बदलकर, चाहे उनको आर्थिक सहायता देकर, या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां पर स्थापित करके वो विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं, ऐसा हमजा अलवी ने अपने अध्ययन के अंतर्गत कहा। नेक्स्ट देखिए, ला लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ये किताब किसकी है? हेयक की है। ला लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ध्यान में रखिएगा, किताबें बहुत बार पूछी जाती हैं। एक और किताब की बात कर लें, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स की किताब है। जॉन रॉल्स के न्याय के जो सिद्धांत थे वो इसके अंदर लिखित है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स। नेक्स्ट देखिए, कोई भी समाज एक जंजीर के समान होता है, कोई जंजीर अपने कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं होती, ये कहा जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स ने समाज की तुलना एक जंजीर से की है। किससे की है? जंजीर से की है। वो कहते हैं कि कोई भी जंजीर है वो अपने कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं होती है, ये जॉन रॉल्स का कथन है, ध्यान में रखिएगा। प्रगति के साथ साथ सामाजिक न्याय पर बल किसने दिया? रॉल्स ने दिया कि प्रगति के साथ साथ सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, इस पर इन्होंने बल दिया, जोर दिया अपने अध्ययन के अंतर्गत, न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत। न्याय को प्रथम सद्गुण के रूप में माना रॉल्स ने अपने अध्ययन के अंतर्गत सद्गुणों की रूप में न्याय को सबसे प्रथम रूप में पाया, प्रथम रूप में माना, या प्रथम सद्गुण माना। नेक्स्ट देखिए, एनार्की एंड स्टेट ऑफ यूटोपिया, ये नोजिक की किताब है, एनार्की एंड स्टेट ऑफ यूटोपिया, ध्यान में रखिएगा, किताबों के नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। व्यक्ति की तुलना में समाज पर बल कौन सा देता है दृष्टिकोण? समुदायवाद। समुदायवाद क्या करता है? व्यक्ति की तुलना में समाज पर बल देता है। किस पर बल देता है? समाज पर। मतलब जहां व्यक्ति और समाज दोनों की बात आएगी तो वह व्यक्ति को नेग्लेक्ट कर देगा, समाज को ज्यादा महत्व देगा। ठीक है, तो व्यक्ति की तुलना में समाज को ज्यादा बल दिया जाता है समुदायवादियों के द्वारा या समुदायवाद के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वह विचारधारा जो समानता पर बल देती है वो है समाजवाद। समाजवाद एक विचारधारा है दरअसल में, ये समानता पर बल देती है। किस पर बल देती है? समानता पर। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक न्याय क्या है? तो समाज के संसाधनों का ऐसा बंटवारा जिससे सबसे कमजोर वर्ग को उसका प्रतिफल मिले, ये होता है सामाजिक न्याय। समाज में जितने भी संसाधन हैं उनका बंटवारा इस हिसाब से किया जाए कि समाज के कमजोर से कमजोर वर्ग को भी उसका हक मिले, ये होता है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट देखिए, स्फियर्स ऑफ जस्टिस, ये किताब किसकी है? वॉल्जर की है। ठीक है, रॉल्स का क्षतिपूर्ति का नियम कहलाता है तर्क संगत भेदभाव। रॉल्स का जो क्षतिपूर्ति का नियम था वो तर्क संगत भेदभाव के रूप में जाना जाता है। ऐसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? स्वेच्छा तंत्रवादियों में प्रमुख रूप से हैं आइजिया बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन और नोजिक। ध्यान में रखिएगा, निम्न में से कौन स्वेच्छा तंत्रवादी नहीं है, या निम्न में से कौन स्वेच्छा तंत्रवादी है? तो एक नाम भी पूछा जा सकता है, नाम के ये ग्रुप्स भी दिए जा सकते हैं, तो इन नामों को ध्यान में रख लीजिए, आइजिया बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन और नोजिक, ये स्वेच्छा तंत्रवादी हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकारियों की रक्षा करने के लिए राज्य की स्थापना हुई, ये TH ग्रीन का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है, शायद ये DSSSB के एग्जाम में आया भी था कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना हुई है, TH ग्रीन। समानता की अवधारणा स्वतंत्रता को नष्ट करती है,
ये है एक्टन का कथन। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि समानता की जो अवधारणा है वो स्वतंत्रता को नष्ट करती है, खत्म करती है। राज्य को व्यक्ति के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए और कल्याणकारी कार्य नहीं करने चाहिए, ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। ठीक है, राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए एक तरीके से, या न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए और कल्याणकारी कार्य नहीं करने चाहिए, ये हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख समतावादी कौन कौन है? तो रॉल्स हो गए, सीबी मैकफर्सन हो गए और अमर्त्य सेन हो गए, ये प्रमुख समतावादियों की श्रेणी में आते हैं, समतावादियों के नाम से जाने जाते हैं। समतावाद क्या होता है? स्वतंत्रता व समानता को ये पूरक मानते हैं। समतावादी जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, रॉल्स, सीबी मैकफर्सन और अमर्त्य सेन, ये क्या करते हैं? स्वतंत्रता और समानता दोनों को पूरक मानते हैं, विरोधी नहीं है एक दूसरे के, स्वतंत्रता व समानता को पूरक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे कुछ किताबों का जिक्र मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ कथन और किताबों का हर वीडियो नोट में आपको मिल जाएगा ताकि कुछ भी ना छूटे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी किताब किसकी है? हेयक की है। राज्य बनाम व्यक्ति हर्बर्ट स्पेंसर की है। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस हेयक की ही किताब है। टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी आईजीएफ बर्लिन ने लिखी। वेल्थ ऑफ नेशंस आप सभी को पता है, एडम स्मिथ की किताब है। तो ये नीचे इस वीडियो नोट में मैंने कम से कम 7 या 8 किताब और उसके लेखक की बात की है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। हर वीडियो नोट महत्वपूर्ण है, कोशिश यही रहती है आप तक कि अच्छे से अच्छी सामग्री पूछे। ये वीडियो नोट आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए भी लाभदायक है, सीबीएसई या जो नेट का एग्जाम हो रहा है एनटीए के द्वारा, उसके लिए भी ये लाभदायक है। राजनीति विज्ञान के जितने भी उच्च श्रेणी के एग्जाम होते हैं उनके सभी के लिए समान रूप से बनाया गया वीडियो नोट है। आपको यदि वीडियो नोट पसंद आता है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने हर सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। नीचे आपको फेसबुक पेज का लिंक भी मिलता है आजकल, उसको क्लिक करके आप फेसबुक पेज पे भी लाइक कीजिए ताकि हम वहाँ भी आपके लिए कुछ पोस्ट करें तो आपको मिलता रहे। अभी मैं इतना फेसबुक पेज पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में वहाँ भी आपको सारी सामग्री उपलब्ध होगी। जैसे टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ और आपकी जो नोट्स हैं वो सेंड करता हूँ, वैसे वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शेयर और लाइक करते रहिए।